तो इस तरीके से आप इस शक्ति का प्रयोग करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। जो आपकी मनोकामना है, जो आप चाह रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। कोई दिन की बाउंडेशन नहीं है, कोई समय की बाउंडेशन नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहे स्टूडेंट हों, आप चाहे हाउसवाइफ हों, चाहे आप वर्किंग वूमेन हों, चाहे आप साधक हों, सिद्ध हों, तपस्वी हों, योगी हों, जो मर्जी हों, आप ये चीज़ कर सकते हैं। अभी सबके अपने भाव हैं। अभी कोई कहते हैं ना कि जैसी भावना वैसा ही इंसान को दिखता है। एक दृष्टांत छोटा सा है, सुना देते हैं कि एक चिड़िया बोल रही थी। जब चिड़िया बोल रही थी तो वहाँ एक जने खड़े हुए थे, साहूकार जी, मतलब किराने की दुकान थी जिनकी, वो खड़े हुए थे, सेठ जी। सेठ जी खड़े हुए थे तो कह रहे, आहा हा क्या बढ़िया बोल रही चिड़िया। चिड़िया कह रही है, धना मिर्च पसरट, धना मिर्च पसरट। इतने में एक पहलवान जी आए, बोले क्या सुन रहे हो? बोले भाई चिड़िया बता रही है, धनिया मिर्च पसरट, जो किराने का सामान है, बोले बता रही है ये हमारे बारे में। तो पहलवान जी खड़े हो गए, बोले ना, बोले गलत सुन रहे हो तुम, चिड़िया बता रही है दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। चिड़िया बोल रही है दंड बैठक कसरत। अब चिड़िया क्या बोल रही है ये तो चिड़िया को पता है, लेकिन सुनने वाला वही सुनेगा जो वो चाह रहा है। तो जिसकी जैसी भावना, जो जैसा सोचता है, समझता है, वो उस चीज़ को वैसे ही प्रयोग करता है। अभी किसी को काली शक्तियाँ बुलानी है अपनी ज़िंदगी में, वो कहेगा प्रेतात्माएँ आओ, तो वो भी आ जाएंगी। कोई भक्त है भगवान का, कृष्ण जी पर विशेष आस्था है, तो वो ये प्रार्थना लगाएगा अज्ञात बाबा को कि कृष्ण जी की बहुत कृपा हमें मिले, कभी तो दर्शन हो उनके, कभी तो दर्शन हो उनके। ये अर्जी जाएगी अज्ञात बाबा तक, अज्ञात बाबा वो अर्जी कृष्ण जी तक लेके जाएंगे, घटित हो जाएगा। तो भक्त की भावना वैसी और हर व्यक्ति की भावना जैसी, वही व्यक्ति पा रहा होता है जीवन में। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने जीवन को आसान बनाइए। सब कुछ संसार में है, खोजने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। जब तक करोगे नहीं, प्रमाणिकता कैसे मिलेगी? जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो कैसे उसको ये कह पाओगे आपके सही है या गलत है? मिठास का अनुभव तो जब ही करोगे जब मिठास को ग्रहण करोगे। बिना ग्रहण किए कैसे आप उसकी मिठास को अनुभव कर सकते हैं? अगर मधु का सेवन नहीं करेंगे तो कैसे आप कह सकते हैं कि मधु मीठी थी? ये समझना रहेगा, है ना। तो आज के वीडियो में अज्ञात बाबा का हमने सूत्र बताया है, कैसे आप जीवन में लाभ ले सकते हैं, कैसे आप जीवन में चीज़ों की प्राप्ति कर सकते हैं। सही चीज़ों में शक्ति को प्रयोग करिएगा, अनुचित कार्यों में इसको प्रयोग करने की चेष्टा बिल्कुल मत करिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसी चीज़ों में प्रयोग मत करिएगा कि आपको पड़ोसन से प्यार हो गया है, अब अज्ञात बाबा को मार रहे हैं, प्रार्थना लगा रहे हैं वहाँ पर, कह रहे हैं अज्ञात बाबा को पड़ोसन पट जाए हमारे से। ऐसी प्रार्थना कदापि नहीं करिएगा, अगर ऐसे करेंगे नुकसान उठा जाएंगे ज़िंदगी में। दूसरे चीज़ों में भी मत करिएगा, क्योंकि हमने तलवार दी है तो बताया भी है तलवार चलानी कैसे है। गलत जगह चलाओगे तो हाथ पैर कटवा लोगे। तो ये शक्तियों का सिद्धांत है, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, मैंने बताया है, लेकिन अगर गलत तरीके से आप करेंगे तो नुकसान उठा जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कुछ कमेंट आए हुए हैं, साधना से संबंधित विषय क्या पूछा है किसने, वो बताते हैं। आदेश जय श्री महाकाल, मयूर राठौर, आदेश जय श्री महाकाल, अभिजीत शिंदे, जय श्री महाकाल, ओम प्रकाश। अगला कमेंट आपका है रौनक बी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने ज्वाइन मेंबरशिप अभी ज्वाइन की हुई है, आपने लिखा है आदेश जय श्री महाकाल, हम वापस आ गए। बिल्कुल रौनक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच। वासा जी, मेरे कल के सवाल पर आपने आज का वीडियो बनाया, चलिए संतुष्ट हैं आप। कल रौनक आपने करा था प्रश्न अज्ञात बाबा के विषय में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विषय में, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपको समझा दिया, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो पिताजी हैं अज्ञात बाबा, उनके विषय में भी आपको समझा दिया सारा कुछ। और इससे बहुत कुछ आप अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। आप ही क्या, हर व्यक्ति, चाहे आप साधक हों या ना हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेडिटेशन आपको आना चाहिए, जुड़ने का तरीका आपको आना चाहिए, एकाग्रता आपके अंदर हो, ये जरूर आप याद रखिए। मन अगर भटकेगा तो उस चीज़ का रिजल्ट पूर्ण रूपेण आपके जीवन में फलीभूत नहीं हो पाएगा। अगला कमेंट रौनक आप लिखते हैं, कुछ दिन पहले एक कंपनी में एक बंदर के दिमाग में कंप्यूटर चिप लगाया था और वो बंदर बिना हाथ लगाए कंप्यूटर गेम खेलने लगा,
लोग कहते हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए हो रहा था। देखो जो आप बोल रहे हो, देखो रौनक, हर चीज़ के पीछे एक सिद्धांत है, एक्सपेरिमेंट है, मेहनत है। वैज्ञानिक भी एक शोधक हैं, शोध करते हैं, अपना वक्त देते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तब जाके उसको प्राप्त कर पाते हैं उस चीज़ को। तो ये कहने का तात्पर्य है कि आप उस चीज़ को समझें, जानें। ये विज्ञान को सूत्र कौन देता है? हर चीज़ के पीछे सूत्र हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अभी आपको पता है काल जो है वो अपना कोटा कैसे पूरा करते हैं? काल का कार्य है कई सारी आत्माओं को ले जाना। अब यमराज महाराज कहते हैं काल कितना कोटा पूरा किया है तुमने, कितनी आत्माएं लाए हो? काल महाराज ने कहा लो जी इतनी हैं। तो यमराज कहेंगे ये तो कम है, तुम्हारा तो कोटा पूरा नहीं हो रहा है, इतनी चाहिए अपन को। तो काल महाराज क्या है, फ्रिक्वेंसी पकड़ाएंगे लोगों को, चुनेंगे एक बंदे को चुनेंगे, उसके अंदर दिमाग में डालेंगे तुम ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा करने से ऐसा होगा, और उसको ऐसे आइडियाज़ आएंगे, विनाशक आइडियाज़, जिससे लोगों का नुकसान हो, लोग मरें, ऐसा कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा, जाओ जाके बिल्डिंग में बम लगा दो, फोड़ दो बम, कोई लेना देना नहीं है। ऐसे साइको तरीके के लोग आपने देखे होंगे। आखिर ये आते कहाँ से हैं विचार? एनर्जीज, हम जो देखते हैं फिजिकली उस पर हम जज कर सकते हैं, जो फिजिकली हमने देखा नहीं, जो फिजिकली नहीं दिख रहा है उसको जज कैसे करेंगे? जो दिख ही नहीं रहा है कैसे जानेंगे हम उसको? तो काल अपना कोटा पूरा करने के लिए कितनी आत्माएं उन्हें चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए चीज़ें होती रहती हैं सारी कुछ। अब ज़्यादा मैं भी डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि रहस्यमय विषय है। रहस्य जितनी इजाज़त देते हैं बोलने की उतना ही बोल सकते हैं हम, ज़्यादा बोलेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा फिर, समझे? तो समझा दिया हमने सूत्र के कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, सारा कुछ ब्रह्मांड में होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे समझ के परे हैं, समझनी होती हैं। लेकिन अगला रौनक आप लिखते हैं, मैं कल ही पढ़ रहा था, चलिए बहुत बढ़िया। भूपेन ठाकुर आप लिखते हैं, आदेश जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल भूपेन ठाकुर। तो आशा करते हैं कि आज का जो वीडियो है काफ़ी रोचक लगा होगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज हम बस वीडियो को विराम देते हैं यहीं पे, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ, और कोशिश करेंगे कि पाताल के विषय में हम आपको जानकारी दें, पाताल के विषय में, असुरों के विषय में, और असुरों के साथ नागों के विषय में। तो आपको अगले वीडियो में काफ़ी रहस्यमय सब्जेक्ट हम आपको बताएंगे कि नागों का और असुरों का क्या संबंध था, क्या रहस्यमय चीज़ें थीं, क्या रहस्यमय विद्याएं थीं। तो ये सब चीज़ें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा, नॉलेज अच्छी लगी, वीडियो को शेयर करते जाइए। इसके साथ साथ चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल से जुड़ जाइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा है तो जैसे मर्जी आए वैसे करिए। अगले वीडियो में मिलेंगे नए विषय के साथ जो हमने आपको बताया। तब तक के लिए साधनाएं करते रहिए और अपने जीवन में लाभ लेते रहिए। आदेश जय श्री महाकाली।